नमस्कार सत्यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल उतरेंगे देवरी गांव में। मिर्जापुर जनपद के विकासखंड 96 में कल 1 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी विकासखंड 96 के देवरी ग्राम सभा में उतरेंगे, जिसको लेकर तैयारी पूर्ण कर ली गई है। जंगली क्षेत्र होने के नाते सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। सत्यात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर। धन्यवाद जी। नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा सत्यात्रा न्यूज 96 से। आज मैं मिर्जापुर जनपद के विकासखंड 96 के देवरी ग्राम सभा में हूँ। यहाँ पे जो है केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कल 1 अगस्त को यहाँ पे उतरेंगे और यहाँ से सीधे माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करेंगे और वहाँ पे जो है कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। बहुत सारे कम से कम 288 करोड़ की सौगात मिर्जापुर जनपद को मिलने वाला है। आइए, यहाँ पे जो हेलीपैड बन रहा है, यहाँ के हम जेई साहब से बात कराना चाहेंगे। जेई साहब कार्य में इतने थे, जो यहाँ पे यच मार्का जो लगता है, वो यच मार्का लगाने में अभी शासन प्रशासन यहाँ पे आने वाले हैं, इसलिए वो इतने व्यस्त हैं कि शायद बात करना नहीं चाहते। आइए, यहाँ पे उपस्थित कुछ लोग हैं, उनसे हम आपकी बात कराते हैं। जी, ये ग्राम सभा देवरी है, यहाँ पे जो हेलीपैड बन रहा है, अभी तक कितना बनकर तैयार हुआ है? एकदम रेडी है, एनी टाइम चाहे जब एकदम हम लोग बना के एकदम रेडी कर दिए हैं। पूरी तैयारी हो चुकी है, कोई तैयारी में कसर नहीं है। तो केंद्रीय गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए कितने व्यवस्थाएं की गई है? सुरक्षा पर्याप्त है, सुरक्षा के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। हमारा काम है सिर्फ हेलीपैड बनाना, हम लोग हेलीपैड बना के एकदम रेडी हैं। जी, आपका परिचय? हमारा परिचय सतीश दुबे, देवरी। यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है, आप, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि आप दिखाएं यहाँ पे जो बैरिकेडिंग बनाया गया है। चूँकि ये जंगली रास्ता है, जंगल यहाँ पे है, पहाड़ है, कुछ भी जानवर सड़क पे आ सकते हैं और कोई जानवर सड़क पे ना आए, इसलिए देवरी से विंध्याचल तक जो है पूरी रोड को बैरिकेडिंग किया गया है। मैं आशुतोष शर्मा, सत्यात्रा न्यूज 96।